हम बात कर रहे हैं नौक्षम चौधरी की, जो कि 26 साल की हैं और इनका नाम है नौक्षम चौधरी। जी हाँ, ये नाम है हरियाणा बीजेपी की नई पोस्टर गर्ल का। 10 भाषाओं को जाने वाली नौक्षम 1 करोड़ रुपए का पैकेज ठुकरा कर राजनीति के मैदान में उतर पड़ी है। विदेश में पढ़ी लिखी नौक्षम को बीजेपी ने पुन्हाना से उम्मीदवार बनाया है। नौक्षम ने पुराने दिग्गज और विधायक रईस खान को टिकट की दौड़ में पीछे छोड़ दिया है। 1 महीने पहले ही नौक्षम ने अपने गांव पेमा खेड़ा में एक कार्यक्रम कर चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा के बारे में राय शुमारी की थी। लोगों के साथ मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और अब उनकी ये इच्छा पूरी हो चुकी है और वो चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। IAS माँ और जज पिता की बेटी नौक्षम ने पुन्हाना से बीजेपी का टिकट पाकर सभी को चौंका दिया है। मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद योजना के समय अच्छी खासी भीड़ जुटाकर नौक्षम ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। MMA नौक्षम ने 25 अगस्त को अपने गांव पेमा खेड़ा में बीजेपी की सदस्यता ली थी और इससे पहले नौक्षम मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली में छात्र संघ नेता भी रही हैं। राजनीति का चस्का नौक्षम को मिरांडा हाउस में ही लगा। मिरांडा कॉलेज के बाद वो 3 वर्ष तक विदेश में रही। नौक्षम का कहना है कि वो मेवात की बेटी हैं और गिद्दड़ भभकी से उन्हें डर नहीं लगता। नौक्षम को PM नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने काफ़ी प्रभावित किया है और इसी के चलते वो अपना 1 करोड़ रुपये का सैलरी पैकेज छोड़कर बीजेपी की ओर से चुनाव मैदान में उतर गई है। और अब देखना ये है कि नौक्षम का ये फैसला कितना सही साबित होता है और बीजेपी को उनके फैसले से क्या फायदा होता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।